मैं इसे देख के एक बार चौंक गया कि 22 जनवरी को दीपावली, मुझे लगा 22 जनवरी को दीपावली तो है, लेकिन हाँ मैंने ये पढ़ा था कहीं, डेट ध्यान नहीं थी, लेकिन ये जरूर पढ़ा था कि दीपावली मना। हाँ किस कारण बिल्कुल। अभी तक हमारे रामचंद्र जी जो ये देश जिसके लिए जाना जाता है, उनका मंदिर का निर्माण हो रहा है और वो वहाँ पे विराजमान हो रहे हैं 22 जनवरी, और ये बिल्कुल बहुत गर्व की, हर हिंदू के लिए बहुत गर्व की बात है कि 22 जनवरी को दीपावली मनाई जाए, ये जो मैं इतना जानता हूँ। हाँ सर, एक्चुअली क्या बहुत सारे लोगों को अभी 22 जनवरी को आलू आलू मिल गए थे, मतलब यहाँ पर भी आया हूँ तो शौक तो हम भी शौक हुए, हमें भी लगा यही चीज़ है, तो हम थोड़ा सा ये छोटी सी हमारी भी एक पहले कि हम लोगों के बीच में जाकर उनको बताएंगे सारी चीज़ें कि 22 जनवरी को वे क्या, ताकि उनकी अपने घर में बारे से मालूम कर लें ये क्या चीज़ है। राम भगवान मतलब वहाँ पर मिला था, मुझे उनका अंदा होता है भरत और भरत। बताइए हनुमान जी किसके लिए संजीवनी देते हैं? लक्ष्मण जी को। अभी बताइए सर राम भगवान किसके कारण बस 14 वर्ष इसके कारण बस, देखिए इसमें कारण बस तो उद्धार करना था, वध करना था रावण का, हाँ, और संसार का उद्धार करना था, इसीलिए वो वध करना था, इसीलिए 14 वर्ष। वो तो जैसे सर एक जो विधाता के द्वारा लिखी गई है उस चीज़ के अंतर्गत आप हुए थे, एक ये पूरा विधि बनाई गई है जो रामायण जिसके स्वरूप बनाई गई है, बट वो जब रामायण में किस स्वरूप में उस चीज़ को दर्शाई गई है, इस बात कारण बस गई तो तीनों ने उनको मतलब वो किया था। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए रामायण में सीता माता जी के जब रामायण में क्या है कि जब दशरथ जी जो उनके पिताजी थे, हाँ उन्होंने वचन ले लिया था, उनकी जो माता जी थी कभी युद्ध में उनका जो रथ का पहिया था वो निकल गया था, तो उन्होंने अपनी उंगली उसमें कील होती है अपनी उंगली डाली थी, और जब युद्ध वो समाप्त हो गया था जब जा रहे थे वो, तो उन्होंने देखा तो ये कहा था तुम मेरे से 3 वचन ले, तो उन्होंने कहा था जब कभी मौका मिलेगा तो हम ये वचन आपसे ले लेंगे, और फिर जब ये माया का प्रकोप स्टार्ट हुआ, वो भी कहानी है, वो भी कारण क्यों हुआ क्योंकि वो भी पढ़ाई गई थी माता जी को भी, और जब उन्होंने वो चीज़ आई और वक्त को 3 वचन मांगे, तो उस 3 वचन को पूरा करने के लिए वो बन के लिए हाँ सर वो मतलब काफ़ी अच्छा गए थे, मतलब आपको डिफाइन करने की कहानी जिसके कारण गए थे, बट वो उसका अगर छोटे से अगर जीत का आंसर दें तो वो उसमें कारण पूछा था उनके कारण बस गए थे, तो केकई माता थी ना, हाँ केकई माता उनके कारण बस, तो उन्होंने उनसे वचन लिया था, तो उनको कहा था कि आप भरत जी को सिंहासन सौंप दीजिए और राम जी आप जाइए 14 वर्ष के लिए वनवास, तो उन्होंने अपनी माता का वचन रखने के लिए वो 14 वर्ष के लिए वनवास गए, वो एक कहा कि हाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी मुझे, मतलब आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, मतलब आप कट्टर हिंदू लगते हो मुझे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, कट्टर हिंदू नहीं है ये देश ही, देश ही हिंदू सनातनी हिंदू, और अगर सनातन को धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और अच्छी पहल है, बड़ा अच्छा लगा कि आप इस तरह का कर रहे हैं, वही मैं सोच रहा था कि लोगों को बताऊँ कि सही के देश का है, तो बहुत सारा लोगों को 80% लोगों को चीज़ें नहीं पता होगी, दशरथ अगर आप पूछे नहीं दशरथ जी के पिताजी का नाम था शायद सभी भूल जाएंगे अभी, और हनुमान जी की हिस्ट्री अगर पढ़ी जाए तब तो भी सब भूल जाएंगे, तो अच्छी पहल है, जागरूक होना चाहिए, जहाँ से हम निकले हैं जो हमारा स्रोत है, तो वो हम अगर नॉलेज नहीं है तो हम कहीं गलत रास्ते पर जा रहे हैं। थैंक यू, ठीक है सर, अच्छा, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री